हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एंड वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिलोकिनो के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे फिलोकिनो के क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह हमें फिलोकिनो मूव करता दिखाई दे रहा है, क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है फिलोकिनो कॉइन में। तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बैल के आइकन को दबाएं, ताकि फिलोकिनो हो या कोई भी कॉइन हो, उनके रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं मार्केट के हालात। फिलोकिनो भाईजान तकरीबन 130 पे चल रहा है और तकरीबन हम रैंकिंग कर रहा है 130 नंबर पर। प्राइस की बात करें तो 4.0 के बाद 2516 हमें देखने को मिल रही है। बाय द फेरा बीटीसी 4.3% है और इधर के हिसाब से ये 2.5% है, जो है ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई ये तकरीबन एनुअली बेसिस पे 270% का प्रॉफिट दिला चुका है, 30 दिनों में 60% का, 14 दिनों में 48% का और 7 दिनों में 42% का जो है वो ऑलरेडी हमें एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दिला चुका है। तो उसके साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बिटकॉइन भाईजान की, तो भाई हमारा जो बीटीसी भाईजान है वो करंटली 1% ही डाउन जा चुका है, 0.3% एक 24 घंटों में बढ़ा है और एक घंटे में बढ़ा है। और हमने देखा है कि भाई ये 34,000 से अब मूव कर रहा है अभी भी। और हम बात करें तो इथेरियम की बात कर दो 79 पे चल रहा है, 2.7% डाउन जा चुका है। बीएनबी की बात करें 224 पे चल रहा है, 2.5% ही डाउन जा चुका है। एक्सआरबी 0.2% ही डाउन जा चुका है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट के साथ अगर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखा जाए तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो मार्केट है वो 72 स्कोर के साथ ग्रीड में, जो कल 66 स्कोर के साथ हमें देखने को मिली थी ग्रीड में, लास्ट वीक 50 स्कोर के साथ न्यूट्रल देखने को मिली थी, और लास्ट मंथ की बात करें तो 47 स्कोर के साथ हमें एक न्यूट्रल पोजीशन में हमारी मार्केट भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे बात करते चले आप फिलोकिनो को लेकर, तो भाई देखने की कोशिश करेंगे भाई फिलोकिनो की दुनिया में क्या क्या अपडेट्स देखने को मिले, किस तरह जो है फिलोकिनो हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई फिलोकिनो ने जितना लास्ट वीक जो रिटर्न दिया है, उस रिटर्न को देख के जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं फिलोकिनो के प्रॉफिट को, क्योंकि वैसे भी हमें 27 तारीख को एक और सरप्राइज़ फिलोकिनो की तरफ से देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हो सकता है कि फिलोकिनो आगे चल के कुछ और भी बढ़िया करे। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी सी न्यूज़ हमें देखने को मिली है कि भाई फिलोकिनो ने जो वर्ल्ड टेबल टेनिस के साथ जो है चैंपियनशिप होने वाली है फ्रैंकफर्ट के 2023 की, तो उसके साथ जो है वो उन्होंने ऑफिशियली जो है पार्टनरशिप कर दी है। उसके बाद हमने देखा है कि फिलोकिनो ने जैसे कहा था कि नेटिव टोकन, तो वो टोकन भी हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक इसका उन्होंने नाम रखा है सिस्टर टोकन, जो इनका अभी अपकमिंग टोकन है वो भी रिवील किया जाएगा जल्द से जल्द। उसके बाद हमने देखा ब्रिबनेस के साथ जो फिलोकिनो ने पार्टनरशिप की, जो एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया सी चीज़ देखने को मिली कि भाई फिलोकिनो नए नए लोगों के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है। उसके साथ हमने देखा कि भाई जो फिलोकिनो था इसमें हमें एक और चीज़ देखने को मिली, नए टोकन को लेकर इन्होंने जो सारी डिटेल थी वो इन्होंने अपने BSE न्यूज़ के आर्टिकल पे आप जाके रीड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो वगैरह भी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि चिरपले ने भी अपनी जो लिक्विडिटी वगैरह है वो तकरीबन जो फ्लोकिफाई की मदद से जो है वो लॉक कर देती है, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स हैं जो फ्लोकिफाई का जो है लॉकर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई फ्लोकी बिकम द मोस्ट ट्रेडेड मीम कॉइन ओवर डोज एंड शिबा। जी बिल्कुल, डोज और शिबा के हिसाब से वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड किए जाने वाला जो क्रिप्टो कॉइन है वो बढ़ चुका है। उसके बाद हमने देखा था कि भाई फिलोकिनो जो था वो बाइनेंस पे काफ़ी डोमिनेट कर रहा था, काफ़ी ट्रेंडिंग में हमें देखने को मिला था। इन्होंने रिसेंटली कार्बन का जो ब्राउज़र था उसके साथ इन्होंने इंटीग्रेशन की, तो ये भी एक बहुत बढ़िया सी चीज़ देखने को मिली। तो उसके बाद हमने देखा वेक्स्ट ने भी जो फिलोकिनो के साथ पार्टनरशिप की, 4 मिलियन के करीब जो लो टोकन थे उनको ने इसके अपनी प्लेटफॉर्म में जो उन्होंने वो लॉक कर दिए थे। तो इस तरह की हमने देखा कि आजकल हर नई जो ब्रांड है वो तकरीबन जो फिलोकिनो के साथ जुड़ रही है, और फिलोकिनो का जो इकोसिस्टम है वो दिन ब दिन एक्सपैंड होता जा रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि भाई आने वाले वक्त में फिलोकिनो काफ़ी एक अच्छी धूम मचा सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप फिलोकिनो के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे वीडियो की छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आएगी, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।